ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आइसोलेशन। सबसे पहली चीज़, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बताएं तो इंसान को दूसरों से अलग कर देना। मगर क्या मायने रखता है? वो ये मायने रखता है किस इंसान को अलग करना है। तो यहाँ पे याद रखना, इन्फेक्टेड इंसान को अलग करना है, इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना है दूसरों से। किससे अलग करना है? ससेप्टेबल लोगों से अलग करना है। कब तक अलग करना है? टिल द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। याद है हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि सिंपल भाषाएं कहें कि जब तक वो बीमारी फैला सकता है तब तक उस इंसान को दूसरे लोगों से अलग करना है, जिससे कि वो इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट नहीं कर पाए। सिंपल। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? कि इन्फेक्टेड पर्सन को ससेप्टेबल लोगों से दूर करके रखना है, जिससे कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ना हो पाए। कब तक दूर करके रखना है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक। दैट इज हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन से क्या समझ में आया? इन्फेक्टेड पर्सन को ससेप्टेबल लोगों से दूर करके रखो, जिससे इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसमिशन ना हो पाए। कब तक दूर करके रखना है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक। अब अगली चीज़ होती है कि कौन सा आइसोलेशन बेहतर होता है। अभी देखा होगा ना आपने कोरोना में कि होम आइसोलेट हो गए, कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो इसके जवाब है, हॉस्पिटल आइसोलेशन ज़्यादा बेहतर होता है होम आइसोलेशन पे। इस पे आपको MCQ आ सकता है और ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं आपके पास। आप चाहे अमिताभ बच्चन को देख लो, वो घर पे नहीं, वो अस्पताल में जाके भर्ती हुआ। आप चाहे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को देख लो, वो होम आइसोलेट नहीं हुए, वो चिरायू हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। तो हॉस्पिटल आइसोलेशन इज़ बेटर देन होम आइसोलेशन। उसके अलावा अगर हम आज की डेट में बात करें, तो आज की डेट में आइसोलेशन किस पे रिकमेंड किया जाता है? सिर्फ एक्सेप्शनली सीरियस चीज़ों में आइसोलेशन को रिकमेंड किया जाता है। बट ऑब्वियसली कोरोना इज एक्सेप्शनली सीरियस, तो उसमें हम आइसोलेशन रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है कि आइसोलेट किसको किया जा रहा है? आइसोलेट इन्फेक्टेड पर्सन को किया जा रहा है। इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? कि भाई साहब कि इनको टेस्ट रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आ चुकी है, डायग्नोसिस बन चुका है, ये बीमार हैं, इसीलिए इनको आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक। उसके बाद अलग अलग तरह के आइसोलेशन होते हैं। एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड आइसोलेशन है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन है, हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन है। एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि आइसोलेशन किन किन बीमारियों में यूज़फुल होता है, या किन किन बीमारियों में आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास है डिप्थीरिया, जितने भी आप कंटेजियस डिजीज़ देखोगे ना, उसमें ज़्यादातर में आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, हर्पीज जोस्टर, कॉलरा, स्टेफाइलोकोकल फेंजाइटिस, पोलियो, लेप्रसी, प्लेग, प्लेग में भी न्यूमोनिक प्लेग। तो ये सारी बीमारियां हैं जिनमें आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इस पर बहुत सारे MCQs आते हैं। तो मेरे को इतना याद था कि भाई इसमें आइसोलेशन में एक L आता है, एक T आता है। तो L से हमारे पास कॉलरा का L है, L से हमारे पास स्टाफाइलोकोकल का L है, L से हमारे पास पोलियो का L है, L से हमारे पास लेप्रसी का L है, और L से हमारे पास प्लेग का L है। तो आइसोलेशन में कॉलरा हो जाएगा आपका, और फिर स्टेफाइलोकोकल फेंजाइटिस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, लेप्रसी हो जाएगी, प्लेग हो जाएगा, न्यूमोनिक प्लेग। उसके अलावा हमारे पास टी आता है, तो टी से हमारे पास डिप्थीरिया का टी है, टी से हमारे पास TB का टी है, टी से हमारे पास जोस्टर का टी है। तो हमारे पास आइसोलेशन में डिप्थीरिया भी आ जाएगा, TB भी आ जाएगा, हर्पीज जोस्टर भी आ जाएगा। ऐसे मुझे याद होता था, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, आपको जैसे याद करना हो। अब एक और चीज़ जो कन्फ्यूजन होता है ना क्वारंटीन और आइसोलेशन में, तो इसमें याद रखना कि आई फॉर आइसोलेशन होता है और आई फॉर इन्फेक्टेड पर्सन होता है। तो आइसोलेट किसको करोगे? आई फॉर आइसोलेट करोगे आई फॉर इन्फेक्टेड पर्सन को। तो ये भी आपको कन्फ्यूजन से बचा सकता है। तो हमने देख लिया आइसोलेशन क्या होता है, कौन सा आइसोलेशन बेहतर होता है, कितने तरह के आइसोलेशन होते हैं, कौन कौन सी बीमारी है जिसमें आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए पीरियड ऑफ आइसोलेशन का, कि कितने समय तक आपको आइसोलेट करना है अलग अलग बीमारियों में। तो अगर आप मीजल्स की बात करें, MCQ पे आया हुआ है, तो जब आपकी कैटरल स्टेज शुरू होती है तब से लेके
3 दिन ऑफ रैश तक आपको उसको आइसोलेट करके रखना है। अगर आप बात करो कॉलरा और डिप्थीरिया के लिए क्या करना है आपको, टेट्रासाइक्लिन जब से स्टार्ट की है उसके 3 दिन से लेके जब तक आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। इन्फ्लुएंज़ा की बात करें हम तो जब शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद से आपको उसको आइसोलेट करना है। पोलियो की बात करें तो पोलियो में याद रखना अलग अलग है, एडल्ट्स में 2 हफ्ते तक करना है जबकि बच्चों में आपको 6 हफ्ते तक आइसोलेट करके रखना है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो आपने कीमोथेरेपी जब से स्टार्ट की है उसके 3 हफ्ते तक आपको उसको आइसोलेट करके रखना है। उसके अलावा अगर हम चिकन पॉक्स और हर्पीस ज़ोस्टर की बात करें तो आपको एटलीस्ट रैश आने के 6 दिन तक, रैश जब आया है उसके 6 दिन बाद तक आपको उसको आइसोलेट करके रखना है। तो पीरियड ऑफ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे MCQs बनते हैं। फिर एक और चीज़ है कि आइसोलेशन से आपको रिंग इम्यूनाइजेशन आप अचीव कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके वाइवा के लिए भी और इस पर आपको वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है? रिंग इम्यूनाइजेशन होता है कि हमने एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक बड़ा सा गांव है, गांव में ना ये भाई साहब को क्या हो गया, ये भाई साहब को एक बीमारी हो गई, तो ये इन्फेक्टेड भाई साहब हैं। तो हमने क्या किया, इनके आसपास के जो लोग थे, इसके आसपास ये भाई साहब थे, ये लोग थे, बहुत सारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, इसके आसपास हमने सिर्फ इम्यून लोगों को रखा, ठीक है। और हमने क्या किया कि अब क्या करेगा, हमने एक इन्फेक्टेड इंसान को इनसर्कल कर दिया इम्यून पर्सन से, जिससे कि अब ये भाई क्या करेगा, ये भाई जो है इस बीमारी के लिए तो इम्यून है, ये जितने भी हैं हमने इम्यून लोगों को इसके आसपास बैरियर बनवा दिया कि इस गांव में ये इन्फेक्टेड बंदा तो घर में रहेगा, ठीक है, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसके आसपास जितने भी हैं ना इनको वैक्सीन लग गई, ये इम्यून है, अब ये बीमारी नहीं फैला सकता, यहाँ से भी बीमारी नहीं फैला सकता, कहीं नहीं फैला सकता, फैला ही नहीं सकता, जाना चाहे तो यहाँ भी एक इम्यून है, जाना चाहे तो यहाँ भी एक इम्यून बंदा है, जाना बाहर गांव से बाहर बीमारी जा ही नहीं पा रही क्योंकि जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं सब बंद कर दिए, क्यों, क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं उस गांव में सब इम्यून है, ससेप्टेबल लोगों को हमने हटा दिया, हमने सिर्फ इम्यून लोगों का, हुआ क्या इससे कि ये बीमारी सिर्फ यहीं रह के रह गई। और फिर बीमारी कंट्रोल, याद है कंट्रोल एलिमिनेशन रेडिकेशन, तो पहले हमने कंट्रोल कर ली थी, फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रेडिकेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं हुई, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इन्फेक्शियस एजेंट भी मर जाएगा। तो ये होता है आपका रिंग इम्यूनाइजेशन कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन को इनसर्कल कर देते हो, बैरियर लगा देते हो इम्यून पर्सन्स का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आगे स्प्रेड नहीं हो पाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट इस वक्त मीजल्स को कंट्रोल करने और इरेडिकेशन करने के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल किया गया नॉर्थ अमेरिका में। तो ये आपका वाइवा का क्वेश्चन और रिंग इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और सवाल आता है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आइसोलेशन काम नहीं आता है। कई हैं, कुछ के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई, लेप्रसी हो गई, STD हो गई, इनमें उतना कारगर साबित नहीं हुआ। हाँ, इन लोगों को आइसोलेट करना चाहिए लेकिन इसमें उतना काम नहीं आता है। कौन सा, फिजिकल आइसोलेशन उतना कारगर नहीं हो पाया है, करना चाहिए। आपको लेप्रसी का केस आया आपको उसको आइसोलेट करना है, TB का केस आया उसको आपको आइसोलेट करना है, लेकिन सिर्फ आइसोलेशन से, यानी कि सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन से इसमें काम नहीं बनेगा, इसमें आपको केमिकल आइसोलेशन भी करना पड़ेगा। अब सवाल यह है केमिकल आइसोलेशन क्या होता है। केमिकल आइसोलेशन में हम जो इंसान होता है उसको जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, उसको घर में बिठा के। उससे होता क्या है, उससे हम उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नॉन इन्फेक्शियस बना देते हैं। तो ये आपका वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई केमिकल आइसोलेशन क्या होता है। केमिकल और आइसोलेशन, केमिकल क्या है, ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ, आइसोलेशन क्या है, घर है। तो केमिकल आइसोलेशन, कई कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसमें फिजिकल आइसोलेशन उतना कारगर साबित नहीं होता है, वो हैं TB, लेप्रसी और STDs वगैरह। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम केमिकल आइसोलेशन करते हैं। केमिकल आइसोलेशन में क्या करते हैं, केमिकल आइसोलेशन में उसका बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसको घर में बिठा के। तो आपने घर में बिठाया तो आइसोलेशन किया, ट्रीटमेंट दिया तो केमिकल किया,
उसको केमिकल ट्रीटमेंट या केमिकल आइसोलेशन में घर पे बिठा के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको नॉन इन्फेक्शियस बना देना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका कि भाई कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आइसोलेशन उतना मददगार, फिजिकल आइसोलेशन उतना मददगार नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो आइसोलेशन पे अलग से आपको शॉर्ट नोट तो आता ही है। इनफैक्ट आपको एक और आजकल क्वेश्चन चल रहा है कि भाई डिफरेंशिएट करो आइसोलेशन और क्वारंटीन को। तो अभी हम क्वारंटीन जब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे आइसोलेशन क्वारंटीन से अलग होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो भाई आइसोलेशन बताओ क्या होता है, और ये भी इन्फेक्टेड पर्सन की हेल्दी पर्सन किस में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। दूसरा, आइसोलेशन आपको किन किन बीमारियों में ज़रूरत होती है, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जाता है। फिर आपसे रिंग इम्यूनाइजेशन तो वाइवा में कई बार पूछा जाता है कि रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद वाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई केमिकल आइसोलेशन क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ना मीजल्स का, वाइवा के लिए मीजल्स का तो आपको वो पीरियड ऑफ आइसोलेशन पता ही होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई साहब अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में कौन से एमसीक्यूज आए हैं, तो अपने नोट्स और स्लाइड में जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो सारे वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस पे आपको बहुत बार एमसीक्यू आया है कि भाई आइसोलेशन कौन कौन सी बीमारियों में ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू आया हुआ है मीजल्स के पीरियड ऑफ आइसोलेशन पे, उसके अलावा आपको एमसीक्यू आया है चिकन पॉक्स या हर्पीज जोस्टर के पीरियड ऑफ आइसोलेशन पे। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको आइसोलेशन के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।